अरे कॉलेज तो मैं भारती कर रही थी ना, ऊपर चलिए। तो मैं तृप्ति एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ, नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कल किसी तकनीकी दिक्कत की वजह से आप लोगों को सिर्फ 40 मिनट का वीडियो मिला है, तो आज की क्लास हम लोग थोड़ी लंबी करेंगे, ठीक। और कल जो छूटा है उसको आज की क्लास में कवर हम लोग कर लेंगे, ठीक। क्लास में आप लोग रेगुलर रहिए, है ना, और हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं, ठीक। चलिए तो शॉर्ट एक रिवीजन ले लेते हैं। कल की क्लास में हमने राजकोषीय नीति जो है वो शुरू किया था, क्या होता है, कैसा होता है, हम शॉर्ट में समझेंगे। और जहाँ पर कल का वीडियो ख़त्म हुआ था, वो ख़त्म हुआ था राजकोषीय नीति के घटक के पास, है ना, तो हम वहाँ से फिर से डिटेल में शुरू करेंगे ताकि हमको एक एक्स्ट्रा वीडियो ना बनाना पड़े। और लगभग 15-20 मिनट का ही वीडियो था, तो हमको कोई एक्स्ट्रा वीडियो ना बनाना पड़े, और साथ ही जिनका छूटा उनको भी कवर हो जाए, इसलिए हम इसमें उसको शामिल करेंगे। तो आप लोग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा। चलो, तो हमने इससे पहले की क्लास में, कल की क्लास में हमने जो शुरू किया था उसको रिविजन कर लेते हैं। रिविजन करने से पहले थोड़ा सा मैं अपना, आप लोग का भी रिवीजन ले लूं, ठीक। चलिए, तो पढ़े लिखे हैं कि नहीं, लिख के आए हैं, पढ़ लिख के कैसे, मेरे मामा का शादी था क्या, शादी में आए हैं, नहीं जाते पढ़ के। अभी तुम्हारा तो मास्क था, तो आधा आधा करके करो, लेकिन करो, वरना फिर वो सबसे पीछे कोंटे में जाके बैठो, है ना, या तो मास्क लगाओ। ले लेना मास्क, लगा के आओ, और जिसको मास्क नहीं लगाना वो लगा ले, इधर आके बैठो, इधर सामने, इधर इधर इधर, एक जन एक पीछे चले जाओ, एक इधर आ जाओ। वैसे वो लगाया है मास्क में, तो ठीक है, देख लो जैसा भी, लेकिन मास्क वैसे लगा के आओ प्रॉपर, ठीक। चलो भाई, क्यों नहीं पढ़ के आए, बाकी लोग ऐसा मत करो यार। चलिए, कुछ कुछ सवाल पूछती हूँ, बताना हमारी अभी वित्त मंत्री कौन है, वाह पढ़ क्या है। हमारे देश का प्रथम डिजिटल बजट कब शुरू हुआ, 2000 अभी कोरोना के टाइम पे, ये नया साल है, वर्ष 2021 है ना, 2020 और 2021 में शुरू हुआ है, ठीक। भारत का सबसे पहला बजट किसने पेश किया था, मैंने किया था, ठीक ठीक। किस भारतीय ने, या स्वतंत्र भारत का पहला किसने किया था, पढ़ के आई है वो लड़की, ठीक, समझ में आया। अच्छा, निर्मला सीतारमण जी का, रमन का अभी कौन सा कार्यकाल चल रहा है, ठीक। अभी तक कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने जिन्होंने वित्त मंत्री का पदभार संभाला है, कौन कौन सी, ठीक, इंदिरा गांधी जो थी वो राष्ट्र, सॉरी नहीं नहीं प्रधानमंत्री है ना, वो प्रधानमंत्री होते हुए उन्होंने क्या किया, वित्त मंत्री का कार्यभार संभाला था, लेकिन स्वतंत्र रूप से निर्मला सीतारमण जी जो है वही हैं, ठीक। अच्छा ये बताओ, केंद्र सरकार बजट वाला, केंद्र सरकार के बजट के बारे में किस अनुच्छेद में लिखा है, वो पूछ रही हूँ मैं, कल पढ़ाई हूँ। और राज्य सरकार का 202, ठीक, 112 और 202। 112 में लिखा है कि राष्ट्रपति जो है वो क्या करेंगे जी, बजट पेश करने के लिए कहेंगे दोनों सदनों में, ठीक, और उसमें राज्यसभा में लिखा। तो चलो वापस आते हैं, कल की क्लास में हमने राजकोषीय नीति को पढ़ा था, ठीक। क्या है भाई राजकोषीय नीति से आशय, सरकार द्वारा कराधान और न्याय के फैसलों से है। राजकोषीय नीति के कई भाग होते हैं, जैसे कर नीति, व्यय नीति, निवेश, विनिवेश, रणनीति, है ना, विनिवेश की रणनीति व ऋण या अधिशेष का प्रबंधन। तो हमने जैसे कि इससे पहले की क्लासेस में ये देखा था, हमने मौद्रिक नीति पढ़ा था, और मौद्रिक नीति में हमने ये पढ़ा था कि बैंक, आपका रिजर्व बैंक जो है वो यही सारे काम किसके संदर्भ में करती है,
बैंकों के संदर्भ में करती है। मौद्रिक नीति, जब हमने मौद्रिक नीति पढ़ा तो हम मुद्रा के बारे में पढ़े, जब हम राजकोषीय नीति को पढ़ेंगे तो हम अपने राजकीय कोषों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मौद्रिक नीति बैंक अकाउंट से रिलेटेड होता है, राजकोषीय नीति आप क्या होता है, राजकोष से, भारत सरकार का जो कोष है, फंड है, उससे रिलेटेड होता है। समझ में आ रहा है मेरे बात? चलिए, तो उसी का हम, जिसके अंतर्गत कर नीति आता है, व्यय नीति आता है, निवेश नीति आता है, कर जिसमें टैक्स लेने का बात करेंगे, निवेश जिसमें कहीं पैसा लगाने का बात करेंगे। समझ में आ गया? चलो इसी पर देखते हैं कि भाई ये जो है ये समग्र आर्थिक ढांचा है, ठीक। कौन सा? राजकोषीय नीति किसी भी देश की संपूर्ण क्या होती है, आर्थिक ढांचा का महत्वपूर्ण घटक है। मतलब जब कभी भी हम किसी देश के ढांचे के बारे में बात करेंगे कैसे कैसे बना, तो हमको आर्थिक आपका राजकोषीय नीति के बारे में बात करना होगा। जैसे मैं बोलूंगी एक मनुष्य का ढांचा कैसे बना, ठीक है, या चलो छोड़ो मनुष्य छोड़ो, ये रिमोट है मेरे पास, मैं बोलूंगी रिमोट का ढांचा, मतलब इसके ढांचा के घटक क्या क्या हैं, घटक मतलब क्या क्या चीज एलिमेंट उसमें इस्तेमाल किए गए हैं। तो आप बताओगे मैडम प्लास्टिक का बैक कवर है, इधर में एक सरकाने वाला जो मेरे से सरक नहीं रहा है, ठीक है, एक ऐसा कवर है, इसके अंदर में एक बैटरी है, एक पैनल अंदर लगाया गया है जिसमें ये बटन्स हैं, फ्रंट का एक कवर है, इसमें लाइट नहीं दिया है, एक लाइट इधर पे सेंसर देता है, ठीक है, तो वो है। तो ये सब मिलकर एक रिमोट बनेगा। अगर मैं इसमें से एक भी एलिमेंट को हटाऊं तो वो रिमोट पूरा रहेगा क्या? नहीं रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये, जब इसमें सारी चीजें हैं और अच्छी क्वालिटी की है तब हम इसको एक अच्छा रिमोट बोलेंगे। समझ में आ रहा है? घटक की जो गुणवत्ता है वही निर्धारित करती है कि वो वस्तु या जिसका वो घटक है वो कैसी रहेगी। समझ में आ रहा है मेरा बात? आप लोग जनरली एक वर्ड सुने होंगे, अच्छी आर्थिक व्यवस्था या अच्छे आर्थिक स्तर और खराब आर्थिक स्तर, ठीक है। जनरली शादी के संदर्भ में ये बात सुनते हो, यार उसके घर शादी नहीं देंगे, उनका आर्थिक स्थिति उतना अच्छा नहीं है, या उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी, ये टर्म आप सुने होंगे, सब लोग सुनते हैं। किस आधार पर होता है ये? पैसे के आधार पर। उनके घर का कितना इनकम है, उनके यहाँ पर कितनी पूंजी है, मतलब अरे उसका तो हम बोलेंगे किसी को बताना है उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, उसके यहाँ इतना मतलब महीने का 60-70 हज़ार सैलरी आता है, यहाँ पे भी उनका घर है, वहाँ पे भी उनका घर है, वहाँ पे भी उनका घर है, अरे उनका लंबा चौड़ा प्रॉपर्टी है, ऐसे शब्द सुने आप लोग, लंबा चौड़ा प्रॉपर्टी है, अरे वहाँ पे वो सेविंग्स करके रखा है, बहुत पैसा है, भक्कम पैसा, एक वर्ड लोकल हम लोग ऐसा यूज़ करते हैं। तो उनकी आर्थिक स्थिति को हम अच्छा बताते हैं, किसी दूसरे, अरे नहीं यार बेचारे लोग, उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, किराए के घर में रहते हैं, बाइक है उसी में चारों जन चलाते हैं, ठीक, पैदल आना जाना करते हैं, मतलब कि उनकी आर्थिक स्थिति उनके जीवन के रूप में, या वो कैसा जीते हैं, उनकी संपत्ति कितना है, उनकी आय कितना है, उनका पैसा कहां कहां पर निवेश है, उसके आधार पर ही लगाते हैं। यस और नो? सेम वही चीज जो है हम देश के आधार पर भी लगाते हैं। जब हम राजकोषीय नीति की बात करते हैं तो हमारे देश का पैसा कहाँ लगा, कहाँ नहीं लगा, कहाँ से आवक है, कहाँ जावक है, हम सब इन्हीं चीजों के बारे में ही बात करते हैं। समझ रहे हैं? देश के बारे में जब बात होगा तो सब इन्हीं चीजों के बारे में ही बात होगा। इसको हम नियंत्रित कैसे करते हैं, ज्यादा कैसे कमा सकते हैं, कम कैसे खर्च कर सकते हैं, इन्हीं सब चीजों के बारे में जब बात होगी तो वही बात जो है वो राजकोषीय नीति में आएगी। क्लियर हुआ? किसी को डाउट, दिक्कत, समस्या? कल पूछूंगी बता दोगे, वरना 1 बजे के बाद KFC में मिल लेना, पिज्जा हट भी चलेगा, ठीक। हमने ये सारी चीज़ें कल की क्लास में देख लिया था। दूसरा चीज़ ये कि ये एक ऐसी नीति होती है जो कि अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। तो जब कभी भी हम राजकोषीय नीति की बात करेंगे तो वो कैसे अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगी? प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगी। इसके बाद हमने क्या देखा था भाई? उद्देश्य देखा था। तो पहला तो अर्थव्यवस्था का या राजकोषीय नीति का पहला उद्देश्य होता है पूर्ण रोजगार। मैंने बताया था गलत लिखा हुआ है ना? तो क्या उद्देश्य होता है उसका? पूर्ण रोजगार होता है, सभी के लिए रोजगार उपलब्ध कराना। दूसरा होता है मूल्य की स्थिरता। मैंने और आपने अभी थोड़ी देर पहले बात किया, इनके पास प्रॉपर्टी है ऐसा वैसा, हम उनको क्या बोलते हैं? अच्छी आर्थिक स्थिति है बोलते हैं,
है ना भाई। लेकिन मान लो जैसे कल की क्लास में हमने शेयर मार्केट के बारे में बात किया था कि भाई शेयर का प्राइस, जो ऐसा शेयर कोई नहीं खरीदना चाहता जिसका कीमत एकदम से गिर जाए और एकदम से बढ़ जाए, उसमें प्रॉफिट है लेकिन लॉस भी उतना ही है। तो एक ऐसा व्यक्ति, मतलब मान लीजिए वो कुछ प्राइवेट काम करता है, कुछ भी एक प्रॉपर्टी डीलिंग का सपोज काम करता है और अच्छा पैसा वैसा कमा के रखा है, लेकिन कभी प्रॉपर्टी, अभी कोरोना टाइम पे प्रॉपर्टी बिकीच नहीं, तो उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। तो आप ऐसे घर में बात करना, उनको बोलेंगे कि नहीं आर्थिक स्थिति अच्छी है, नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि कभी तो वो एकदम अच्छी हो जाती है जब बिकता है, और कभी नहीं रहती है तो थोड़ा खराबी की स्थिति आती है। तो जब हम कभी भी किसी अच्छी अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो उसमें बढ़ोतरी और स्थिरता पाई जाएगी, ठीक है। क्या पाई जाएगी? स्थिरता। मतलब स्थिरता का मतलब ये भी नहीं है 100 रुपए की चीज 2000, 5000, 10000, इसको स्थिरता नहीं कहेंगे, क्योंकि हर चीज के अपने कॉजेज होते हैं ना, हर चीज का एक परिणाम होता है। बहुत ज्यादा ग्रोथ भी अच्छा नहीं है, ग्रोथ होना चाहिए, एक लिमिट में होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, स्थिर होना चाहिए। स्थिर का मतलब ये नहीं कि ठहरा रहे, 7% है तो 7 ही% नहीं, 7, 8, 9 एक एक करके बढ़े, तब वो वास्तविक ग्रोथ होता है। जब भी कोई चीज एकदम से बढ़ेगी तो वास्तविक नहीं होता। बढ़ना अच्छी बात है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए समझ के देखो, आपकी सैलरी बढ़ी, आप एक जगह पे नौकरी करते हो, आपको आज की डेट में सैलरी मिल रही है 5000 मिल रही है, ठीक है। अचानक से सर का मूड किसका, मतलब क्योंकि इसका पीछे कोई कारण नहीं है ना, ऐसा है ना, तो अचानक से सर का मूड किसका, यार आज से तेरी सैलरी 20000, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया सैलरी है ना, जस्ट जितना था उससे जस्ट डबल हो रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। लेकिन इस बात की कितनी गारंटी है कि ये स्थिति कब तक बनी रहेगी? अगर वो बॉस चेंज हो गया तब जरूरी कि उसका बेटा भी आपको बोले नहीं यार मेरे को तो नहीं लगता कि तेरी सैलरी इतना होना चाहिए। चीजें परिवर्तित हुई, पहला। दूसरा चीज ये, सामान्य रूप से हम बात करें, किसी भी चीज की अधिकता की बात हो तो क्या होता है, किसी भी चीज की अधिकता क्या होती है? नुकसान होता है ना। तो भाई बहुत ज्यादा अधिकता भी अच्छा नहीं है, हम चाहते हैं कि वो चीजें अधिकता हो, लेकिन आप एडजस्टमेंट भी तो देखो, हम यहाँ पे देश के संदर्भ में बात कर रहे हैं, ठीक है। एक आदमी की आय 10000 रुपए है, अचानक से दूसरे दिन उसकी आय जो है वो 1,00,000 पहुंच गई, तो वो कैसे चीजों को मैनेज करेगा? खर्च करने के लिए उसके पास जगह नहीं है, उसके पास में तो पैसे का, वो सोना जाके खरीद लिया, धन संरक्षित हो गया, मतलब वो उसको आप यूज, तरलता नहीं होती है सोने में, तो वो रखा रहेगा, इस्तेमाल कहाँ होगा? तो इस वजह, और जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो देश के संदर्भ में इसको तरलता बहुत आवश्यक होता है, किसका? धन की तरलता। इसीलिए कहा गया कि स्थिरता होनी चाहिए, उसमें बहुत उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। हम खुद भी ऐसे शेयर में पैसा नहीं लगाएंगे जो बहुत उतार और चढ़ाव होता है। आपका कोई दोस्त होगा, वो पैसे मांगेगा कि भाई मेरे को इतना पैसे दे देना, हाँ ठीक है, आपको पता है उसके पास नौकरी आज कमी है, कल वो दे देगा। लेकिन ऐसा दोस्त जो बिजनेस में पैसा लगाता है, आपको पता है किसी दिन तो वो इतना ज्यादा कमाता है, कभी एकदम नहीं कमाता है, तो ऐसे लोगों को आप खुद भी पैसा देने से थोड़ा वो होंगे। तो वही है कि स्थिरता होनी चाहिए, ठीक। फिर देते हैं अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर, अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर। हमेशा हम चाहते हैं कि हमारी, मतलब मौद्रिक नीति का जो उद्देश्य होता है कि अर्थव्यवस्था में क्या हो, वृद्धि दर हो। हम 100 करोड़ कमाएं, अगले साल 200 करोड़ कमाएं, स्थिरता के रूप में ना, 100 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़, 300 करोड़, मतलब वो चाहेगी कि मात्रात्मक वृद्धि हो, ये भी मौद्रिक नीति का एक उद्देश्य है। दूसरा है आर्थिक विकास, भैया पैसा तो बढ़ रहा है लेकिन व्यापार भी बढ़ना चाहिए, लोगों के जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए। जैसे कि हम बात किए 10000 रुपए 1,00,000 हो गया, तो एक ही दिन में जीवन स्तर सुधर जाएगा? नहीं सुधरेगा ना। तो जब तक आपका जीवन उस लेवल तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो व्यर्थ है। हम जब आर्थिक विकास की बात करते हैं तो अगर उन पैसों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो वो व्यर्थ है ना भाई। आप रखे रहोगे, थप्पी जमा जमा के रखोगे, क्या काम, कुछ काम है अर्थव्यवस्था के संदर्भ में? वो हम और आप सिक्योरिटी वाइज अलग चीज है, पैसा तो जमा होगा, ठीक है जमा होगा, लेकिन वो निकला नहीं ना, निकलेगा तब तो वो बढ़ सकेगा। हाँ भाई, आप दूसरे दिन से पूरा 90000 उठा के इन्वेस्टमेंट कर दिए उसको कहीं पर, तब वो काम करेगा, लेकिन पहले दिन में, पहले महीने में कोई नहीं करता है ना। थोड़ा समय आने दो भैया, क्या पता किस दिन चल देगा, तो है ना, ऐसा सोचते हैं। फिर आता है निर्यात, आयात निर्यात। मैंने बताया आप लोग को कि कैसे सामान निर्यात होगा, कैसे सामान आयात होगा और किस तरीके से काम होगा,
ठीक। तो ये इसके प्रमुख उद्देश्य है। मेंस के दृष्टिकोण से वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए उतना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं उसको बहुत डिटेल में नहीं करवाई हूँ। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, भारतीय राजकोषीय नीति के दो महत्वपूर्ण उद्देश्य रहे हैं। पहला है आर्थिक विकास। जब कभी भी हम अर्थव्यवस्था की बात करेंगे या हम किसकी बात करेंगे, राजकोषीय नीति की बात करेंगे, तो हमेशा याद रखिएगा कि राजकोषीय नीति जो है वो आर्थिक विकास के बारे में या अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में का बात करेगी। इससे पहले हमने अर्थव्यवस्था का ही राजकोषीय नीति का उद्देश्य देखा। यहाँ पर रोजगार आता है, यहाँ पर मूल्य की स्थिरता आती है, यहाँ पर आयात निर्यात आता है। जब हम अर्थव्यवस्था की भी बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ पैसा नहीं आता है ना, सिर्फ पैसा पैसा नहीं, रोजगार बढ़ेगा तो भी अर्थव्यवस्था, हालांकि अल्टीमेटली मुद्दा पैसे का है, लेकिन रोजगार को भी हम अर्थव्यवस्था का बढ़ना बोलते हैं, मेडिकल सुविधाओं का अच्छा होना भी हम अर्थव्यवस्था का विकास बोलते हैं, अच्छे बाजार का होना भी हम अर्थव्यवस्था का विकास बोलते हैं, इंडस्ट्रीज का होना है, नई नई कंपनियों का बनना, नई इंडस्ट्री का बढ़ना, इसको भी हम अर्थव्यवस्था का विकास बोलते हैं। समझ रहे हैं? तो इनका उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होता कि पैसा बढ़ाओ, लोगों को पैसा दो कि कहाँ से कमाई हो, इनका उद्देश्य रोजगार बढ़ाना भी होगा, इनका उद्देश्य नए नए हॉस्पिटल्स भी खोलना, हॉस्पिटल का मतलब संदर्भ में समझ लो जन कल्याणकारी काम, ठीक है, वो भी होगा। इसलिए कहा गया है कि राजकोषीय नीति हमेशा अर्थव्यवस्था, संपूर्ण अर्थव्यवस्था और उन अर्थव्यवस्थाओं के विभिन्न आयामों को विकास करने के लिए नीतियां बनाती है। कर नीति तभी तो है ना भाई, कर बढ़ाकर सरकार जो है वो कर लगाती है आप पे, है ना, हम पे और आप पे कर लगाती है। क्यों लगाती है? ताकि उनको आय की प्राप्ति हो, और उसी आय से तो वो हॉस्पिटल खोलती है ना, अपने घाटे पटाती है। सच है कि गलत है? सरकार जो है वो आयात निर्यात करती है, क्यों? उनको सरकार कितना पेट्रोल चाहिए? हम लोग जितना तो नहीं चाहिए होगा ना, हमारे लिए भी पेट्रोल लाना बंद हो जाएगा तो हम गाड़ी कैसे चलाएंगे? सच बात है गलत है? वाह ठीक है, कल से सभी लोग वो इलेक्ट्रिक, कितने लोगों के पास में है? अभी नहीं है मैम, आगे वाले दिन। तो वो भविष्य की बात है, जब भविष्य में बढ़ेगा तब जरूर होगा, है ना, लेकिन वर्तमान की स्थिति में नहीं है। इवन दो इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं है, ना हमारे पास में वैसी रोड है, ठीक है, पहला चीज, ना हमारे पास में वैसे गैस स्टेशन है। अभी टेस्ला जब बाहर सब खोला है, फॉरेन वन कंट्रीज में खोला है, तो टेस्ला ने हर पेट्रोल पंप, उसका नीति चल रहा है कुछ किलोमीटर का वो है, और वहाँ पे उतने उतने किलोमीटर में चार्जिंग पॉइंट उसने पेट्रोल पंप में लगाया है टेस्ला वाला। हम लोग कहाँ जाएंगे चार्ज करने? भैया ये मोबाइल का तो है, दे प्लग लगा, ऐसे है क्या चार्जिंग? नहीं है, है ना। तो हमारे देश में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर ही उतना डेवलप नहीं है। इवन तो जो हम 4G मोबाइल यूज़ करते हैं ना, इंटरनेट यूज़ करते हैं, 4G 3G 4G उतना चोचला करते हैं, 4G 4G 4G, हमको तो 3G का स्पीड नहीं मिलता सही से। अगर वास्तविक पूछा जाए ना, 4G फोन लो, 4G चलेगा, कितना ज़्यादा भाषण है, स्पीड काउंट करके देखना नेट पे, हमको तो 3G का ढंग से स्पीड नहीं मिलता, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही वैसा डेवलप नहीं है। तभी सरकार जो है वो अधोसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करती है, और उसको हम अर्थव्यवस्था के विकास में लेते हैं। नए बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं, मोबाइल टावर बनाए जा रहे हैं, पेट्रोल पंप लगाए जा रहे हैं, कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं, ये सब अर्थव्यवस्था का भाग है, इसी से ही हमारी आर्थिक विकास होता है। तो पहला चीज, दूसरा चीज, लोगों के लिए न्यायिक सुविधा उपलब्ध कराना, ठीक है, क्या करता है वो, लोगों को सामाजिक न्याय सुनिश्चित कराता है। कल हमने इसको बहुत अच्छे से समझा था, क्या होता है भाई, क्या होता है सामाजिक न्याय? हाँ कौन बताएगा, कोई बताओ, चलो है ना भाई। तो हमने देखा था कि जब भी हम सामाजिक न्याय के बारे में बात करेंगे तो समाज में न्याय व्यवस्था क्या रहे,
बनी रहे, है ना भाई। किसको न्याय व्यवस्था बनी रहे बोलेंगे, जब सबको उनकी आवश्यकता के अनुसार मिलेगा, किसी को स्पेशल ट्रीट ना करके हर एक लोगों के लिए हर चीज उपलब्ध कराई जाएगी। अभी राशन मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, राशन जो मिलता है क्या बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, अरे वाला राशन दुकान होता ना जहाँ से लोग लेते हैं चावल लेते हैं 3500 रुपए किलो चावल, कंट्रोल से अच्छा एक वर्ड है, मैं भूल रही हूँ अभी, है ना। तो वहां पर आप देखोगे हम जो लोग सक्षम हैं, है ना, जो लोग सक्षम हैं उन लोग तो क्या कर सकते हैं, उसको अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, बाहर का राशन की दुकान से लेके। लेकिन जो लोग सक्षम नहीं है उन लोग खाना नहीं खाएंगे क्या, खाएंगे, इसलिए उनके लिए भी सरकार ने व्यवस्था किया है ताकि भोजन जो है, अनाज जो है वो सबको मिले। वैसे ही आप एक और योजना सुने होंगे, इंदिरा आवास योजना सुने हैं, इंदिरा आवास योजना, इंदिरा गांधी जी के नाम पर आवास योजना, सस्ते मकान दिए जाते हैं। किनको मकान दिया जाता है, जिनका बड़ा बड़ा बिल्डिंग है उनको, तो जिनके पास घर नहीं है, क्योंकि छत, रोटी, कपड़ा, मकान तीन बेसिक चीज है। रोटी उपलब्ध कराते हैं वो जो वितरण केंद्र, क्या बोलते हैं समान, क्या वितरण केंद्र कुछ बोलते हैं, एकदम सार्वजनिक वितरण केंद्र याद नहीं आ रहा था, है ना। तो सार्वजनिक वितरण केंद्र के माध्यम से रोटी उपलब्ध कराते हैं, रोटी का मतलब अनाज खाने के लिए, है ना भाई, रोटी उपलब्ध कराते हैं, है ना, सामान जो सक्षम है वो कर सकता है, जो नहीं सक्षम है या कम सक्षम है वो वहां से उपलब्ध, उसको सब बेसिक चीज तो मिल जाता है। रोटी, मकान, मकान की जब हम बात करते हैं तो सरकार जो है बेसिक जरूरतों को, न्याय व्यवस्था बनी रहे, सब इनके पास घर है, मेरे पास घर है, उनके पास घर है, कुछ लोग हैं जिनके पास नहीं है, तो सरकार उनको सस्ते दरों पर, या कुछ लोगों को तो बिना पैसे के भी, मतलब बहुत कम, बहुत मिनिमम अमाउंट में, तीन मतलब ऐसे एक एक किचन, एक हॉल, एक बेडरूम और लेट बाथ, इतना जो है वो 1.5-2 लाख रुपए में सरकार जो है वो दी है। क्या इतने उसका तो कॉस्टिंग उतना नहीं होगा, है ना भाई, उसकी कॉस्टिंग, अब आप क्वालिटी देखने मत जाना वो अलग हो जाएगा लेकिन कॉस्टिंग उसकी उतनी नहीं होगी, लेकिन सरकार जो है वो उसके दौरान, है ना, इंदिरा आवास योजना के तहत सबको क्या मिले, मकान मिले, इसलिए सामाजिक न्याय व्यवस्था, सबके पास मकान होना चाहिए, जितना धीरे धीरे, सबके पास तो संभव नहीं है, धीरे धीरे करके उसको बढ़ाया जा रहा है। समझ में आया सामाजिक न्याय, मतलब सामाजिक न्याय का मतलब होता है आप अपने घर में कुछ भी करते हो लेकिन समाज में सबके लिए व्यवस्थित चीजें होनी चाहिए, वही सामाजिक न्याय है। चलिए नेक्स्ट आता है राजकोषीय नीति के उपकरण एवं या घटक, ठीक है, उपकरण बोलेंगे जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टूल्स बोलते हैं, है ना, टूल्स बोलते हैं, घटक यानी कि उसके पार्ट्स भी हम कह सकते हैं, तत्व। चलिए तो राजकोषीय घटक की, राजकोषीय नीतियों के घटक की बात करें तो राजकोषीय नीति जो है वो तीन तरीके से संचालित की जाती है, या तीन उनके ऐसे ऐसे उपकरण है जिसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उपकरण क्या होता है, नहीं, उपकरण क्या होता है या टूल्स क्या होते हैं, मशीन एक, है ना, ठीक है ना, लगभग सब सही है। टूल्स या उपकरण से आशय है कि जब भी हमको कोई चीज बनानी होगी तो उस बनाने के लिए जो भी चीज हम इस्तेमाल करते हैं, हमको एक गाड़ी, बचपन में सबके पास गाड़ी होगा और पापा गए ड्यूटी, निकाले उनका पेंचेस और खोल के, सभी खोले होंगे गाड़ी, अपनी अपनी गाड़ी चलाने वाली खोले हो कि नहीं, फिर पापा आए, एक एक झापड़ मिलेगा और साथ में वो उसी पेचकस को उठा के पापा क्या करेंगे, उस गाड़ी को आपकी ठीक कर दे, मतलब बचपन में सभी लोग किए होंगे जहां तक मेरे को पता है। लड़की लोग बोले नहीं, हम तो कार नहीं खेले, तो गुड़िया का मुंडी उंडी तोड़ के अंदर देखे होंगे, सभी करते हो, मैं रेत भर देती थी उसमें, है ना, बारबी डॉल नहीं, बड़ा वाला गुड़िया, हमारे टाइम पे बारबी डॉल नहीं चलता था भाई, है ना, और हम जब बड़े हुए तो हमारे मम्मी पापा के पास में वैसा नहीं था कि बारबी डॉल, मतलब उस समय पर 700-800 रुपए की गुड़िया दिलाना नहीं था, वो 20-40-50 रुपए की मिलती थी, है ना। तो मैं गाड़ियां भी वैसी तोड़ी हूँ खूब, ऐसे मार वार के या पेचकस से खोल खाल के सभी किए हैं, तो उसी टूल्स का इस्तेमाल करके हम चीज़ को बर्बाद किए।
पापा उसी का टूल्स का इस्तेमाल करके चीज़ को ठीक किए। तो उपकरण या टूल्स ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी सहायता से हम किसी भी चीज़ को या जिस चीज़ के लिए वो बना है ठीक और ख़राब कर सकते हैं। सभी टूल्स एक जैसे होते हैं क्या? कोई यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? कोई नहीं करता। उदाहरण के लिए कोई गिटार वाला है, अब वो ले आया पेचकस उठा के, चाहे पेंचिस उठा के, आज तो तार को खोल के रहूँगा, खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा। उसके लिए अलग इक्विपमेंट चाहिए, उसके लिए एक अलग से इतनी बड़ी की आती है जिससे हम उसको तार को चेंज करने के लिए खोलते हैं। और ड्रम बजाने वाला कोई है, ठीक है, अब वो ले आएगा, आज तो मैं इसको पेचकस से फूट जाएगा भाई, उसका एक छोटा सा की आता है जो साइड से उसको टाइट करता है ना। तो हर एक उपकरण मतलब हर एक सामान का अपना अपना की होता है, की नहीं बोलना चाहिए, अपना अपना टूल्स या उपकरण होता है जिसकी सहायता से उसको ठीक या खराब किया जा सकता है। जब हम नीतियों की बात करते हैं तो नीतियों के भी अपने ऐसे उपकरण होते हैं, टूल्स होते हैं, घटक होते हैं जिसकी सहायता से उसको नियंत्रित किया जा सके, जिसकी सहायता से उसको निर्देशित किया जा सके। तो जब हम राजकोषीय नीति की बात करते हैं और उसके घटक की बात करते हैं तो इन नीतियों को चलाने के लिए जिन उपकरणों की सहायता से चलाएंगे, हम इससे पहले मौद्रिक नीति पढ़े थे, हमने क्या पढ़ा था, सरकार बैंक रिजर्व बैंक जो है, रेपो रेट, बैंक रेट, वो सब उसके उपकरण है, उसको महंगाई कम करना है ना, आरबीआई को महंगाई कम करना है, वो क्या करेगा, कम खर्चा करो ऐसे बोलेगा क्या, क्या करेगा, बैंक रेट को बढ़ा देगा। बैंक रेट बढ़ा तो जो नॉर्मल सामान्य बैंक है वो लोग ऋण कम लेंगे और बैंकों के भी ऋण बढ़ जाएंगे। जब बैंकों का ऋण बढ़ेगा, बैंक अपना ऋण का दर बढ़ा देगा तो हम और आप, अरे यार रेट बहुत, ब्याज दर बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हम कम लेंगे कि ज़्यादा लेंगे, कम लेंगे, हम ऋण भी कम लेंगे। अभी पहले 5% था, अब 7% हो गया, अभी छोड़ दो बाद में देखेंगे, कम लेंगे। तो जब आप कम लोगे तो जिस सामान के लिए खरीदना, मान लो आप कार एक लेना चाहते हो या आप घर लेना चाहते हो और कार लोन जो है वो 5% से 8% हो गया, तो आप क्या बोलेंगे, अभी थोड़ा रुक जाते हैं पहला चीज, या तो आप बोलेंगे अरे बड़ा गाड़ी नहीं लेते, छोटा गाड़ी ही ले लेते हैं, ठीक। तो इसकी वजह से आप क्या करोगे, गाड़ी आपने ली क्या, नहीं ली, ठीक है, आपने बोला गाड़ी अभी नहीं लेते, 2-4 महीने बाद देखेंगे, क्योंकि आपको इतना हाई पेमेंट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, आपने गाड़ी नहीं ली, आपने गाड़ी नहीं ली इसलिए गाड़ी की मांग कम हुई, आप लेने वाले थे नहीं लिए, मांग कम हुई। अब जब किसी वस्तु की मांग कम होगी, वो बेचारा बेच ही नहीं पा रहा है, तो बोलेगा मैं तो 10% डिस्काउंट लगा रहा हूँ, तो वस्तु की डिस्काउंट लगाएगा तो वस्तु की कीमत, तो जब मांग कम होगा तो वस्तु की कीमत भी अपने आप कम हो जाएगी, समझ रहे मेरी बात को, वही चीज है, हम उस समय कम हो जाएगी और जब वस्तु की कीमत कम होगी तो हम बोलते इतना महंगा हो गया है कार, इतना महंगा हो गया है कार, अपने आप कार की कीमत कम हो जाएगी। तो हमने वहां पर आरबीआई को देखा था कि वो किस तरीके से क्या करती है, महंगाई को नियंत्रित करती है, डायरेक्ट की ना, कैसे, वो गई थी क्या कि नहीं कार का रेट बढ़ाना पड़ेगा, तुमको कार अभी नहीं लेना है, ऐसे बोली क्या, नहीं, लेकिन उसने अपना पेचकस चलाया, बैंक रेट दर बढ़ाया और हमको कार लेने के लिए मुश्किल होने लगा, है ना, हम कार नहीं लिए तो रेट कम हो गया, ठीक। अब यही जब उसको मुद्रा संकुचन बढ़ाना होगा तब वो उसको क्या करेगी, रेट को कम कर देगी, लोन सस्ते हो जाएंगे, सभी लोग आके लोन लेने लगेंगे, तो जब सभी लोग लोन लेने लगेंगे तो ज़्यादा गाड़ी खरीदेंगे, ज़्यादा घर खरीदेंगे, ठीक है, सामान ज़्यादा बिकेगा, तो सामान जब बिकेगा तो उसकी वस्तु की मात्रा कम होगी और कम होगी तो कीमत बढ़ जाएगी। इकोनॉमिक्स बस इतना ही है, मांग और पूर्ति अगर आप समझ गए तो आप पूरी अर्थव्यवस्था और पूरा अर्थशास्त्र समझ जाओगे हर क्षेत्र में। तो जब हम उसकी बात कर रहे थे तो उसने रेपो रेट, बैंक रेट, उसका इस्तेमाल किया मौद्रिक नीति में, लेकिन जब हम राजकोषीय नीति की बात करेंगे तो हम यहाँ पर बजट की बात करेंगे, सरकार बजट बनाती है, कर की संरचना, कितना कर कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगाना है उसके बारे में बात करेंगे, विभिन्न प्रकार के घाटों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जिससे मिलकर सरकार जो है वो क्या करती है जी, नीतियाँ बनाती हैं या कंट्रोल करती हैं, ठीक है, ये उनके कंट्रोल करने के साधन है। हमने पहले ही पढ़ा कि राजकोषीय नीति प्रत्यक्ष नियंत्रण करती है,
आगे समझेंगे कैसे। सरकार ने एक उदाहरण समझ लो बस, सरकार ने बजट बनाया, क्या बनाया? बजट बनाया। अब इस बजट में देखते हैं कि ये आया कि जो हम सरकार ने बजट बनाया और बजट में ये प्रावधान रखा कि लघु क्षेत्रों में या लघु क्षेत्रों में हम उसको बढ़ाने का काम करेंगे, 10,000 करोड़ रुपए लघु क्षेत्रों के लिए, लघु क्षेत्र के जो व्यवसाय है उनके लिए दिया। ठीक, सरकार ने प्रावधान किया है, मतलब कि अब जो लघु क्षेत्र का या लघु उद्योग जो है उनका बढ़ोतरी होगा, ज़्यादातर लोग उसको खोलेंगे क्योंकि सरकार उनको पैसा दे रही है, मोटिवेट कर रही है, भाई नहीं तुमको खोलना चाहिए, पैसा हम दे रहे हैं तुमको, तुम लघु अपना उद्योग जो है वो खोलो, वो अपना खोलना शुरू करेगा। सरकार के बजट बढ़ाया, असर पड़ा किस पर? सामान्य जन पर। क्यों? क्योंकि लघु क्षेत्र लघु उद्योग जो हैं वो बढ़ेंगे, तो लघु उद्योग में बनने वाले सामान जब ज़्यादा बनेंगे, ज़्यादा लोग खोलेंगे, ज़्यादा सामान बनेगा, ज़्यादा सामान बनेगा तो उसकी कीमत कम होगी। असर पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा ना। हमारे देश में लोगों को ज़्यादा एक जन तो अकेले नहीं कर लेगा, दो चार लोग चाहिए। रोजगार मिला कि नहीं मिला? मिला ना। आर्थिक रूप से आर्थिक उद्योगों का विकास हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, मोदी जी जैसे बात कर रहे हो क्या? हुआ कि नहीं हुआ? है, मेरे को वैसी वाला फीलिंग हुआ तो वैसे नहीं बात करूँगी, ठीक है? तो होगा ना भाई, है ना, ये अलग बात है। हाँ ठीक, तो एक छोटी सी टच चीज की बात हमने की। ऐसी ही सरकार जो है वो बजट बनाता है तो क्या बोलते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के लिए बनाता है, शिक्षा के लिए बनाता है, व्यवसाय के लिए बनाता है, बैंकों के लिए बनाता है, आपके क्या बोलते हैं, चिकित्सा के लिए बनाता है, ट्रैवलिंग के लिए बनाता है, है ना, है ना, हो रहा है, हो रहा है, ठीक, इन सब चीजों को वो बनाता है। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि इनके द्वारा उसको प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करता है। अप्रत्यक्ष है क्या? नहीं। चलो तो एक एक करके समझेंगे। हम आज की क्लास में देखेंगे सरकार का बजट, है ना। तो सरकार जो है वो पहले बनाएगी क्या? बजट। बजट कल हमने देखा, अच्छा क्लास में था ना, बजट। तो बजट हालांकि हमने देख लिया है लेकिन फिर भी हम उसको देखेंगे। बजट, बजट क्या होता है भाई? तो बजट शब्द जो है वो लैटिन भाषा के बुल्गा शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है? बुल्गा शब्द, लैटिन भाषा के बुल्गा शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? ठीक है, तो एक्चुअल में बजट का मतलब कुछ नहीं है, बजट शब्द का, लेकिन क्योंकि उस चमड़े के थैले में विवरण रखा जाता था इसलिए उसका नाम बजट पड़ गया। हमने अच्छा पूरा बता रहा ना, ठीक है, चमड़े का थैला होता था, यह आगे जाकर बोगेट कहलाया, ठीक, जो अंत में क्या बन गया? बजट बन गया। तो बजट जो है वो शुरुआत तो हुआ है किससे? बुल्गा शब्द से। और एग्जाम में कई बार इसको पूछता है ना, किस भाषा से लिया गया है? तो ये लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है चमड़े का, ठीक। हाँ थोड़ा सा इंग्लिश, मतलब कि ये सारे शब्द जो है ना, ये सब यूरोपीय शब्द है। तो यूरोपीय, यूरोप साइड की जितनी भी भाषा है, जैसे हमारे यहाँ के ज़्यादातर शब्द संस्कृत से निकले हैं, है ना, हिंदी बोलिएगा और कोई भी जो भी हम अगर अवधि में बात करते हैं, भोजपुरी में बात करते हैं या कुछ और भाषा में बात करते, तो अधिकांश द्रविड़ भाषाओं को नहीं, इधर मध्य भारत और उत्तर भारत की जो भाषाएँ हैं, ज़्यादातर ये भाषाएँ संस्कृत से वो हुई हैं, क्या बोलते हैं, संस्कृत से आई हैं, ठीक है। हालांकि विवरण पढ़ोगे तो अपभ्रंश पढ़ोगे, पाली पढ़ोगे, हिंदी, अभी जो हम हिंदी बोलते हैं अपभ्रंश, पाली, शेरशी, ऐसा अगर कुछ एक है, उन सब के बाद फिर हम जो हिंदी बोलते हैं वो आती है, पूर्वी हिंदी के, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी में आता है। तो ऐसे अलग 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 उसे बहुत क्षेत्र विभाजन है, लेकिन मुख्य रूप से संस्कृत से प्रभावित हुआ है। वैसे ही यूरोपीय कंट्री जो है, यूरोपियन कंट्रीज जो है ना, यूरोप महाद्वीप की जो कंट्री है, वहाँ पर लैटिन भाषा से अधिकांश चीज़ें आई हैं, ठीक है। लेकिन जब आप, ये तो लैटिन भाषा का है, लेकिन जब आप धार्मिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे हमारे यहाँ धार्मिक चीज़ें भी संस्कृत से आई हैं, ठीक, लेकिन जब आप यूरोपियन कंट्रीज में धार्मिक किताबों के बारे में बात करोगे तो वो हिब्रू से आई है, है ना। हिब्रू जो है, हिब्रू जानते हैं, हिब्रू आपका इज़राइल लोगों की लैंग्वेज है, है ना, और हाँ हिब्रू जो है ईसाई क्रिश्चियनों की नहीं, इसराइलियों की लैंग्वेज है ना। किसकी लैंग्वेज है?
इसराइलियों की यहूदी वर्ड्स, यहूदी जानते ना सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन में वो लोग रहते हैं और सबसे अच्छा उन्नत उनके पास में हथियार मिलेगा, सब चीज़ मतलब इतना शानदार स्टोरी है उनका यहूदियों का। ठीक, तो यहूदी जो है उनकी भाषा है क्या, हिब्रू है ना। यहाँ पे भी क्लासेस होती हैं, अपने इधर भी क्लासेस होती हैं, मतलब जनरली क्रिश्चियन लोग उसको सीखते हैं क्योंकि क्रिश्चियनों की जो बाइबल है वो उसकी मूल भाषा हिब्रू है, तो उसको फिर इंग्लिश में, इंग्लिश से फिर और ऐसे करके ट्रांसलेट किया गया है हिंदी और इंग्लिश में, लेकिन हिब्रू से पहले लैटिन में ट्रांसलेशन हुआ, फिर और भी एक बीच में कोई एक और लैंग्वेज पढ़ता है तब फिर जाके इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ। और एक सिर्फ क्या किंग जॉर्ज एक कुछ है, किंग जेम्स करके एक वर्जन है, सिर्फ वही डायरेक्ट हिब्रू से इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ है, तो ऐसा बहुत सारा है। तो लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर भाषाएं जो हैं सामान्य रूप से लैटिन से ही आई हुई है, इसलिए आपको जब भी आप कुछ इंग्लिश वाले वर्ड पढ़ोगे वो आपको कैसा मिलेगा, लैटिन से मिलेगा। ठीक, यहाँ पर हमने देखा, नेक्स्ट पढ़ते हैं। साधारण बजट एक निश्चित अवधि के लिए, क्या होता है भाई, साधारण बजट एक निश्चित अवधि के लिए संभावित आय और खर्च का ब्यौरा होता है, यह एक आय व्यय का विवरण है। तो भैया हमारे आपके घर में भी बजट बनता है कि नहीं बनता, सॉरी है ना, हमारे और आपके घर में भी बजट जो है वो बनता है। और जब बजट बनता है तो हम ये बात को जानते हैं कैसे बनता है, हमारे घर की इनकम देखी जाती है पहले, है ना, क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ पर देना है, बाई को इतना देना है, दूध वाले को इतना देना है, राशन के लिए इतना निकालना है, बिजली के लिए इतना निकालना है। तो क्योंकि हमारी आय कम है इसलिए हमारा बजट भी छोटा होता है, लेकिन चीज़ें तो दोनों में सेम होती है भाई। सरकार को भी जो व्यय है उसको वो लिखती है, हम भी, हम मान लीजिए हम पाँच लोगों का परिवार सपोज है, पाँच लोगों में तीन लोगों की, तीन लोग नौकरी करते हैं, तो क्या करेंगे, पाँच लोगों में तीन लोग नौकरी है, काउंट होगा जो फैमिली का आय का, तो कैसे गिनेंगे, हाँ भाई पहले सुरेश का सैलरी 50,000, दिनेश का सैलरी 10,000, प्रीति का सैलरी 15,000, सब की सैलरी को मिला के बोले 85,000 हमारे घर का बजट है। अब इस बजट के अनुसार जो है हम अपने अपने खर्च बांटेंगे या देंगे। तो हमने यहाँ पर आय भी किया, मान लो ये तो यहाँ पर हुआ ना, यहाँ पर समझो, एक यही पर समझो, दिखेगा सबको, देखो है ना, जब हम, एक होता है आय और दूसरा होता है व्यय। प्रत्येक घर की अगर हम बात करें तो कितना आय आया, जैसे मैंने बताया कि तीन लोग कमाए, तो एक डी नाम का बंदा था, ठीक, उसका उसका उसकी सैलरी है 20,000, ठीक। सी नाम का एक बंदा था, उसकी सैलरी है 25,000, और टी नाम का एक बंदा है या बंदी है, उसकी सैलरी है 10,000 रुपए, ठीक। अब हमको ये तो सैलरी है, आय सिर्फ सैलरी से आती है क्या, और किससे आती है आय, मान लो इन्होंने अपना घर किराए पे दिया है तो भाई किराए का पैसा भी आएगा, किराए से इनको हर महीने मान लो 5,000 रुपए मिलता है, फिर इन्होंने अपना अमाउंट जोड़ के बैंक में रखा है, बैंक का ब्याज हर महीने मान लो 8,000 रुपए आ रहा है, ठीक। अभी इतना ही करते हैं, है ना, इसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन अब जब ये अपनी आय की गिनती करेंगे तो इन सभी को आय में लेंगे ना कि इसको छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे, वो क्या बोलेंगे, 15 कितना हो गया, 20 और 30, 30,000 हुआ, 30, 40, 50, 60, ठीक। इनकी सैलरी, इनका इनका मासिक आय कितना होगा, 68,000 रुपीज, ठीक। सिर्फ कमाएंगे क्या, खर्चा वर्चा होगा कि नहीं होगा जी, खर्चा किए, पेट्रोल इधर पे, पेट्रोल पे सबका पेट्रोल मिला के 10,000 रुपए, बहुत महंगा, इतना तो खर्चा होगा ही, ठीक। राशन, उतने लोगों का परिवार है तो 20,000 का राशन, 5,000 बिजली बिल, ठीक है, ठीक है, 1,000 रुपए है ना पानी का बिल,
पानी का बिल। सब लोग बीमार भी पड़ते हैं लोग, तो भैया महीने का हमारा 5,000 रुपये किस में खर्च हो जाता है? मेडिकल में खर्च होता है, ठीक, मेडिकल में। अब हमने आरडी करवा के रखी है, आरडी ये इसको ना याद रखना है ना, इसको याद रखना, ये आपको आगे काम आएगा। हमने एक क्या की है, आरडी करवाई है। आरडी जानते हैं, सेविंग्स अकाउंट, मतलब सेविंग्स अकाउंट होता है। आरडी जो है ना रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं, हर महीने एक निश्चित अमाउंट जो है वो आपको निश्चित समय के लिए बैंक में देते जाते हो, वो आपको फिर सब पैसा सा मतलब उसमें इंटरेस्ट लगा के फिर वो आपको रिटर्न करता है पांचवें साल। 5 साल का है तो पांचवें साल, 2 साल का है तो दूसरे साल, और बहुत अच्छा का वो है ये, ठीक है। तो मान लो आपने एक आरडी खुलवाई है, आरडी आपकी हर महीने 2,000 की आरडी जाती है, कितना व्यय हुआ, 10, 12, ये 20,000 था, हाँ ठीक है, तो 10, 20, 30 हो गया, 30, ये 5, 5, 40 है ना, और ये 43,000 रुपीज, ठीक। ये आरडी को बहुत अच्छे से याद रखना, मैं आगे आप लोगों को समझाऊंगी, क्योंकि हमारी देय होती है, जब हम अर्थव्यवस्था की बात करेंगे ना, हमारी देय भी होती है। तो ये सारी चीजें तो शुद्ध खर्चा है कि नहीं है, ठीक। इसमें से ये राशन वाला खर्चा, ये बिना पानी लाइट के जी लोगे, बिना राशन के, तो इसको खर्च करना तो कंपलसरी है, इसमें आप कटौती नहीं कर सकते। इसमें कर सकते हो, इसमें कर सकते हो, इसमें कर सकते हो, इसमें थोड़ा कर सकते हो, इसमें कटौती नहीं होगी। हमारे देश में भी ऐसी अर्थव्यवस्था, मतलब हमारे देश में भी ऐसी आर्थिक हमारे दायित्व है जिसमें हम कटौती नहीं कर सकते हैं, इसको याद रखना ना, मैं इसको अच्छे से बताऊंगी आपको, ठीक। अब इन दोनों का अंतर देख लो कितना आ रहा है, 43 कितना है जी, 0, 0, 0, 5 और 25, ये मेरा कहाँ चला जाएगा, सेविंग्स अकाउंट में, ठीक, पैसा बचा मैंने रख लिया। अब देखो हम बात कर रहे हैं देश के बारे में, ठीक। हमने यहाँ पर अभी हम यहाँ पर हमने पढ़ा कि भाई ये क्या होता है, साधारण ब्याज, एक अवधि पर है ना, एक अवधि पर संभावित आय और खर्च का ब्यौरा होता है, एक आय व्यय का, अच्छा, एक आय व्यय का विवरण होता है जिसे एक दस्तावेज में एकत्रित किया जाता है। देश के संदर्भ में विवरण बोला है, हमारे पास आय हुई, हमारे पास पे जितनी भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, कौन कौन सी है भाई, भेल है, ठीक है, भेल है, सेल है, उन सब से हमको 2,000 करोड़ मिला, ठीक है। हमने छोटा छोटा इनकम जितने भी हमने, रेलवेज हैं वो सरकार का है, रेलवे में किराया जाता है, इन्वेस्टमेंट निकालने के बाद में जो पैसा बचता है रेलवे से उनको मिला, ठीक है। हम टैक्स लगाते हैं लोगों पर टैक्स लगाते हैं, मतलब इसको डिस्क्राइब करना चाहे तो कई ठोक टैक्स होता है, लेकिन हम सामूहिक रूप से लेते हैं टैक्स, ठीक है। सामानों पर टैक्स लगता है, प्रत्यक्ष कर होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है, टैक्स से हमको आय हुआ, ठीक। हमने अपना कुछ क्षेत्र जो है उसको किसी दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए दिया, सरकार पट्टे पे जमीन देती है, किराए पे दुकानें देती हैं, होता है ना, नगर निगम किराए पे दुकानें देती है, सरकार भी बड़ी बड़ी चीजों को उस तरीके का चीज करती है, तो किराए पर से 5,000 करोड़ आया, ठीक। हमने कुछ पैसे आरबीआई के पास, हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा था, ये एक्स्ट्रा पैसा जमा है ना 25,000, हमने आरबीआई में जमा किया, बैंक, हम अभी यहां पर तो बैंक में जमा करेंगे, लेकिन बैंक, सरकार और बैंक कहां जमा करती है, आरबीआई के पास, तो आरबीआई में जमा करेंगे, आरबीआई उसके एवज में हमको ब्याज देगा, वो भी तो हमारी आय है ना, तो ब्याज से 8,000 करोड़ आया, ठीक। हमारा टोटल आय बहुत सारा पैसा होगा, मेरे को पता नहीं, ठीक है, मतलब मैं
कैसे बताओ, मतलब 46,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा होगा, चलो मान लिए सॉरी 68,000 करोड़ मेरी टोटल आय है। किसकी आय? अर्थव्यवस्था में बजट बन रहा है, बजट, समझ रहे हो? ठीक, ये तो हम रफ बना रहे हैं, जब वो सही बनता है तो और छोटा छोटा टुकड़े में टूटता है। अब व्यय में हमको खर्चा भी तो चाहिए, हमने क्या किया, हमारी आवाजाही में, ठीक है, उसको लगा दिया, सब आने जाने में कितना इन्वेस्टमेंट होता है, राशन का खर्चा, लोगों को अनाज उपलब्ध कराने में हमने खर्च किया जिसको काटा नहीं जा सकता, हमने बिल्स पेमेंट किए, हमने भाई जो क्या बोलते हैं, हम ऐसा होता नहीं है लेकिन उदाहरण के रूप में मान लो, हम जो है वो क्या बोलते हैं, बांग्लादेश से बिजली ले रहे हैं, हम देते हैं ना उसको, है ना, उदाहरण है, उदाहरण कुछ भी हो सकता है, तो उदाहरण हम बांग्लादेश से बिजली ले रहे हैं, ठीक, तो या हाँ बांग्लादेश से बिजली ले रहे हैं तो उसको बिल पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं, वो हमारी देय है, वो हमारी जिम्मेदारी है, तो हम बिजली का बिल पेमेंट कर दिए, ठीक। अफगानिस्तान और हमारे बीच में हालांकि ऐसा नहीं है, हम श्रीलंका की बात कर लेते हैं, श्रीलंका से हम पानी ले रहे हैं, शुद्ध पानी उनका काम है, शुद्ध पानी करके देना नमक नमकीन पानी को, तो हम उनसे पानी ले रहे हैं, उसका बिल पटाएंगे। फिर हम लोग नया बजट में मेडिकल सुविधा बढ़ाना है तो नए नए हॉस्पिटल खोल रहे हैं, दवाइयाँ सस्ती कर रहे हैं, उसका बिल पटाएंगे, ठीक। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्स्ट्रा पैसा तो जाता है कहाँ, संचित निधि में, है ना, जब हम एक्स्ट्रा पैसा जाएगा बैंक अकाउंट में, संचित निधि सब में जाता है, तब हम देखेंगे कि भाई आरडी ये एक ऐसा देय है जो कि दायित्व नहीं है, ये एक दायित्व नहीं है बल्कि पूंजी है। तो सरकारें, अभी मैं आप लोग आगे समझाऊंगी, सरकारों के पास कुछ ऐसे देय भी होते हैं जो कि भाई पैसा तो जा रहा है लेकिन उससे भविष्य में मेरे को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, इसलिए वो क्या बदल जाएगी, मेरी पूंजी बन जाएगी। अभी मैं आप लोग को आगे ये समझाऊंगी, ठीक, इसलिए मैं आरडी को बोली, क्योंकि ये कोई मेरा जिम्मेदारी नहीं, ये सब देना किसी चीज के बिहाफ में दे रही हूं, इसको अधिक धन कमाने के लिए, लंबे 5 साल 10 साल के लिए। तो ऐसे भी देय होते हैं, हमेशा जब भी देय पूछेगा ना, राम ठाकुर, हाँ राम बोलो, इसी में बोलो, इसी में बोल लो, वॉइस, अच्छा इको, इको का तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मतलब इको मतलब वॉइस, इको क्या, अच्छा ठीक, ठीक है ना। तो देखिए इधर इधर क्लास में, तो ये है, तो ये सारी चीजों को मेरे को देना आवश्यक है लेकिन ये मैं लाभ कमाने के लिए, तो ये एक ऐसा, आपको एग्जाम में ऐसी ही क्वेश्चन पूछता है, इसको शामिल करने का रीजन था, एग्जाम में पूछेगा कि भैया ये देय है क्या, तो आप बोलोगे नहीं ये देय नहीं है, ये तो क्या है, पूंजी है। कैसे देय नहीं है, हम तो पैसा पटा रहे हैं, भविष्य में वो पैसा जरूर पटा रहे हैं, उसमें व्यय भी हो रहा है लेकिन ये भविष्य के लिए एक पूंजी है, तो उसको हम दायित्व में भी नहीं डालते, किसमें लेते हैं, पूंजी में। देखा अकाउंट्स पढ़ने का फायदा, एक सेकेंड ना, लोगों को वापस से क्लास में ले लेते हैं, बोर तो नहीं लग रहा क्लास, क्योंकि फिर से पढ़ रहे हो लेकिन समझा अलग तरीके से रही हो, हाय मैं कितनी टैलेंटेड हूँ यार। देखो अपना तारीफ करना जरूरी है ना, सेल्फ मोटिवेशन। आज मैं मॉर्निंग वाले बच्चों को बोली हूँ कि आप लोग सेल्फ सफिशिएंट बनिए, सब लोगों को, और आप लोगों के लिए भी है, सब लोग, लड़की हो चाहे लड़के हो, आप लोगों को सेल्फ सफिशिएंट होना ज़रूरी है, ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि घर पे भी। ऐसा नहीं कि मम्मी नहीं है तो खाना कौन बनाएगा, बेचारी माँ कई सालों से मायके नहीं जा पाई है क्योंकि बेटे को खाना कौन बना के देगा, इतना सफिशिएंट आपको होना चाहिए कि कम से कम 2 रोटी खा के तो जी लो, समझ रहे हैं, और लड़की लोग भी,
हाँ मेरे को पता है, मेरे को बताई थी बना लेते हैं, लेकिन सब लोग नहीं नहीं हंसने वाला चीज़ ठीक है, लेकिन हर एक इंसान को ना सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए हर एक चीज़ में। हम किसी भी चीज़ के लिए किसी पर डिपेंडेंट ना हो। बैंक का काम है बिना पापा के हो ही नहीं रहा है। अरे अब इतने बड़े हो गए कि बिना पापा के भी काम बैंक का हो सकता है। आप कोशिश नहीं करोगे जब तक गलती, कोशिश नहीं करोगे तब तक गलती नहीं होगा, और गलती नहीं होगा तब तक काम कैसे सीखोगे यार। तो हर एक इंसान को पढ़ाई के मामले में भी आपको सेल्फ सफिशिएंट होना है। हम आपको गाइड कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं, अल्टीमेटली पढ़ना किसको है, करंट में क्या आ रहा है उससे अपने आप को अपडेट किसको करना है, खुद को करना है, और ऐसे ही पढ़ाई होती है। चलिए समझ में आया यहाँ पर आरडी। इसके बाद में ये यहाँ पर आया वो हमारा पूंजी होगा। टोटल हमारा व्यय हमने काउंट किया। अब इस वाली स्थिति में तो भाई हमारे पास में पैसा बच जा रहा है, लेकिन जब हम देश के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास पैसा नहीं बचता, हमको उधारी लेना पड़ता है। अब यही बजट मान लो इसकी जगह पे सिर्फ 10,000 होता, नहीं 10,000 तो कम हो जाता, 30,000 कर लेती हूँ, तो ये सारे देय हम दे पाते क्या? नहीं दे पाते। और नहीं दे पाते तो हमको बोरो करना पड़ता पड़ोसी से। ये सब देय तो देना जरूरी है, बोरो करना पड़ता। और इस जो हमने यहां से ऋण लिया है इसके पीछे हमको फिर क्या देना पड़ता? ब्याज। तो ये हमारा दायित्व बढ़ता। तो जब कभी भी ऋण होगा या जब कभी भी घाटे का बजट बढ़ेगा तो याद रखना हमारा ब्याज या दायित्व भी बढ़ेगा। यही कारण है कि ज्यादा घाटे, वैसे तो घाटे का बजट बनता ही है, लेकिन ज्यादा घाटे का बजट बनना अच्छा नहीं है। कभी भी जब ज्यादा घाटे का बजट बनेगा तो हमारे दायित्व बढ़ेंगे, हमारे पास ऊपर सर पे लोड बढ़ेगा, है ना। यही कारण है एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है घाटे के बजट का क्या प्रभाव होगा, ठीक है। तो यह सिचुएशन आपको देता है कि अगर ऋण बढ़ा तो उससे निम्न में से क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या चीज बनेगा, तो आप इसको बता सकते हो। ठीक, यहाँ पर समझ में आया आपको? चलिए, वो घाटा है, शुद्ध घाटा। सरकार जो बजट ये करती है ना, ऋण माफी करती है, बहुत लोगों का हुआ है, देख के चिढ़ होता है उन लोगों को, तो है ना, बहुत लोगों का ऋण जो है वो माफ कर दिए सरकार। क्यों माफ किया? उनका प्रॉपर्टी बेचो। मैं तो बोलती भाई इतना इतना रह रहे, उनका प्रॉपर्टी बेचो, पूरा हलक डाल के निकालो पैसा। क्या चीज? नहीं 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 निकालते, वहां पे भी योगी जी की सरकार है, नहीं निकलता। वो सिर्फ किसानों के को परेशान होते हैं, सिर्फ किसान जो गरीब लोग हैं मजदूर। आप कोई लोन लेके देखो और मत पटाना, आपके घर का पाई पाई बेच देंगे बैंक, पाई पाई बेच देगी, और फिर भी उसको लगेगा कि कमी छो रहा है। लेकिन तो पर्सनल लोन जो है वो गिरवी, मतलब सबको थोड़ी ना मिल जाता है। हाँ नहीं, गारंटर वाला सीन है पर्सनल लोन ना। दो चीज़ें होती हैं पर्सनल लोन में, पहला तो उसका इंटरेस्ट रेट सबसे हाई होता है, सबसे हाई, तो लोग थोड़ा सा लेने से डरते हैं, और उसके पीछे में एक लिमिट भी है, आपकी आय के अकॉर्डिंग आपको पर्सनल लोन मिलता है, मतलब बिहाफ में। जैसे कि मेरी आय मान लो अगर 10,000 रुपये है तो मैं, मेरे को 2 करोड़ रुपये पर्सनल लोन दे दो बोलेगा ओदे गेट है ना, क्या बोलेगा? ओदे गेट है, मेरे को नहीं देगा वो, क्यों देगा? मेरी आय ही उतनी नहीं है, ठीक है। मेरे को 2 करोड़ देने के लिए मेरे को उसको बताना पड़ेगा कि मेरी कम से कम मासिक आय जो है वो 1 से 1.5 लाख रुपए मासिक है, या उससे ज्यादा शायद बताना पड़े तब। तो उसका लिमिट होता है, पर्सनल लोन का भी लिमिट होता है। पहला तो रेट इंटरेस्ट उसका बहुत हाई होता है, आप 10,000 लोगे तो आप मान के चलो आपको 30,000 रुपए चुकाना है उसका, 20,000, इतना ज्यादा, मतलब रेट बहुत, तो लोग कम लेते हैं उसको। दूसरा चीज, वो आपकी आय पे डिपेंड करता है। मैं एकदम कुछ नहीं कर रही हूँ, है ना, बेरोजगार, मेरे को लोन चाहिए, कौन सा लोन चाहिए? पर्सनल लोन चाहिए। पटाओगे कैसे? पहला क्या पूछेंगे उन लोग, पटाओगे कैसे? तो इनकम सोर्स दिखाना पड़ेगा। मैं बोलूँगी मेरे पप्पा है वो मेरे को पॉकेट मनी देते हैं ना तो बोले अच्छा तुम खुद जी रहे हो पप्पा के पैसों पे और चाहिए तुमको लोन, तो मेरे को पर्सनल लोन नहीं मिलेगा, मेरे को व्यापारिक
ऋण मिल सकता है। व्यापार मेरे को, मैं बोलूंगी मेरे को स्टार्टअप शुरू करना है, एक रुपया मेरे पास नहीं है, मेरे को स्टार्टअप शुरू करना है, पप्पा के पैसे पे हो चाहे किसी के भी पैसे पे जी रहे हो स्टार्टअप, तब वो अलग तरीके का बात हो जाता है। पर्सनल लोन जो है वो सिर्फ नौकरी पेशा लोगों को मिलता है, ठीक है, या जिनका व्यापार भी है और लंबे समय से अच्छा उनका क्रेडिट स्कोर रहा है उनको मिलता है, ठीक। चलिए यहाँ तक समझ में आया, फिर देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए आपकी प्राकलित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण रखवाएगा, ना कि रखेगा। तो किसके आदेश पर होगा जी? राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन प्रस्तुत कौन करेगा? वित्त मंत्री, हमारे यहाँ वित्त मंत्री करते हैं, अपने छत्तीसगढ़ में कौन करता है? मुख्यमंत्री करते हैं, क्योंकि हमारे अलग से वित्त मंत्री नहीं है इसलिए। हाँ, दूसरा चीज एक और आप लोग ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, राज्य के या राष्ट्र के जो भी प्रमुख होंगे, ठीक, उनके संदर्भ में देखे होंगे आप लोग, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, वाणिज्य मंत्री, ठीक है, पर्यटन मंत्री राज्य में भी होते हैं और केंद्र में भी होते हैं, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन बहुत से ऐसे क्षेत्र तो इतना सारा है मंत्री नहीं होते, तो जिनका, जिन मंत्रालयों को कोई मंत्री नहीं है उनका कार्यभार राज्य या राष्ट्र प्रमुख के ऊपर में होता है। आप सामान्य प्रशासन का मंत्री है क्या? सामान्य प्रशासन मंत्री है हमारे राज्य में, कौन है उसके हेड? मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो जितने भी क्षेत्र या जितने भी ऐसे क्षेत्र है जिसका कोई मंत्री नहीं होगा, कोई हेड नहीं होगा, उसका दायित्व तो किसके ऊपर में होगा? मुख्यमंत्री या राष्ट्र के संदर्भ में प्रधानमंत्री, ठीक है। तो राष्ट्र प्रमुख जो, राष्ट्र या राज्य प्रमुख जो है उनके ऊपर में वो सारे क्षेत्र की जिम्मेदारी रहती है, इन सब क्षेत्रों की भी है मुख्य क्षेत्र, लेकिन काम बड़ा है इसलिए उन्होंने डिवाइड किया, ये ध्यान रखना। चलो तो हम देखते हैं, जब हम संविधान, भारतीय संविधान की बात करते हैं तो 112 में हमको मिलता है कि दोनों सदनों में राष्ट्रपति द्वारा इसको रखवाया जाएगा, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं। हमारे देश में वार्षिक होता है, 5 साल के लिए बजट आता है क्या? 1 साल के लिए आता है, ठीक। हम लोग भी 1 महीना का बनाते हैं, है ना, कर छोटा 1 महीने का, यही क्या कहलाता है जी? आम बजट कहलाता है। इसी संदर्भ में देखते हैं कि जब हम राज्यों की बात करते हैं तो अनुच्छेद 202 में, है ना भाई, अनुच्छेद 202 में उल्लेखित है कि प्रत्येक राज्य सरकारें राज्यों के लिए वार्षिक विवरण, वित्तीय विवरण तैयार करेगी, जिसे राज्य सरकार का, क्लियर, दिक्कत परेशानी कुछ नहीं, ऑनलाइन है जो लोग समझ में आ रहा है, आ रहा है, ठीक। हमने ये इसको फिर देखते हैं, वर्ष 2021 में प्रयुक्त बजट प्रथम डिजिटल बजट था। निर्मला सीतारमन जी द्वारा अपने तीसरे कार्यकाल में पेश किया गया था। फिलहाल दो ही लोग रहे हैं, इंदिरा गांधी जी और निर्मला सीतारमैया, इन्होंने भी एक्चुअल में इनको देखा जाए तो ये प्रधानमंत्री रहते हुए इन्होंने पेश किया था और इन्होंने अभी किया है पिछले 3 वर्षों से, या तीन मतलब तीसरा कार्यकाल उनका चल रहा है वित्त मंत्री के रूप में, तीसरा, ठीक है। फिर देखते हैं भारत का प्रथम बजट, ठीक, भारत का प्रथम बजट कब आया था? तो फरवरी 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा लॉर्ड कैनिंग के काल में प्रस्तुत किया गया। एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कब आया वो तो ठीक है, किसने पेश किया? जेम्स विल्सन ने पेश किया, किसके काल में पेश किया? लॉर्ड कैनिंग के काल में। लॉर्ड कैनिंग से बार बार आपको दिखेगा, कई बार, है ना। फिर आता है स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट जो है वो किसने पेश किया भाई? नवंबर 1947 में आर के षणमुखम ने, मुखम चेट्टी ने इसको प्रस्तुत किया था, ठीक है। नाम मत भूलना, चेट्टी से याद रखना, अजीब टाइप का नाम है तो आपको याद ही रहेगा,
ठीक। फिर प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने बजट पेश किया तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। चलिए फिर आता है मुख्यतः केंद्रीय बजट में तीन लगातार वर्षों की प्राप्तियों व व्ययों का विवरण होता है। तो जब भी हम केंद्रीय बजट की बात करते हैं या जिसके बारे में हम सुनते हैं बजट आया हल्ला होता है कि नहीं, है ना, तो उसमें हमेशा तीन प्रकार के बजटों की बात होगी। अच्छा आपको पता है बजट कैसे आता है, मतलब बजट तो आता है हमेशा, पहले ये था कि कल भी मैंने आप लोग को बताया था कि बजट जो है वो पहले जो यूरोपीय काल में चल रहा था, है ना, रात शाम को 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन बाद में इसको कब प्रस्तुत किया जाने लगा, सन 2000 के आसपास की बात है, उस समय से सुबह 11 बजे प्रस्तुत किया जाने लगा। लिखो मत, लिखा है ना, कहाँ पे लिखा है, अच्छा वो कोड उसमें लिखा है ना, हाँ, तो 11 बजे प्रस्तुत किया जाने लगा। साथ ही साथ हम देखते हैं कि भाई इसको जिस पेपर पे बजट आता है कौन से रंग का होता है, लाल कपड़े में लपेटा आता है पेपर, ये कहते हैं कि नीले लाइट ब्लू कलर का पेपर में इसको प्रिंट करते हैं, क्योंकि उस बोलते हैं कि लाइट ब्लू में ज़्यादा अच्छे से स्याही उभरती है, इसलिए बजट जो है वाइट पेपर में नहीं लाइट ब्लू कलर के पेपर में बजट आता है। लेकिन इस बार तो आया नहीं क्योंकि डिजिटल हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया, आगे हम देखेंगे उसको। चलिए तो जब हम बजट की बात करते हैं तो बजट में तीन चीज़ें होती हैं। पहला ये आगामी वर्ष का के लिए वित्तीय अनुमान, भाई मैंने बजट बनाया, सैलरी सबका आ गया, अब ये महीना चलाना है हमको, कौन सा चल रहा है अभी महीना, जनवरी का महीना चलाना है, हम लोग सब एक परिवार के लोग हैं, पेट्रोल के लिए मैं लिखूंगी, पेट्रोल के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 लोग, ठीक है, पेट्रोल के लिए मैंने निकाला 2000 रुपये, पेट्रोल के लिए हम लोग की इनकम के अकॉर्डिंग 2000 रुपया। देखो भैया 2000 में सबका पेट्रोल चलना है, रिक्शे में जाओ तो भी सही, ऑटो में जाओ तो भी सही, कार में जाओ तो भी सही, बस में जाओ तो भी सही, इससे ज्यादा मैं पैसा नहीं दूंगी। मैं 30 तारीख को डिसाइड करूंगी क्या, आगे आने वाले आगामी वर्ष के लिए पैसा आया मेरे पास में आने के लिए करूंगी, ठीक है, है ना, हम आगामी वर्ष के लिए इसको क्या करेंगे, आगामी मतलब हमारा बात होगा तो महीना होगा, लेकिन हम यहां पर जब बात करें तो अनुमान लगाएंगे भाई कि हमको इतना खर्च उसमें हो सकता है, पेट्रोल में इतना खर्च हो सकता है, व्यापार में इतना खर्च हो सकता है, ठीक, देश के संदर्भ में भाई सुरक्षा में इतना खर्च हो सकता है। तो उसमें पहली जो बात होगी वो आने वाले वर्ष की बात होगी, दूसरी बात होगी चालू वर्ष के संशोधन के लिए, ठीक है, मतलब जो वर्ष चल रहा है उसमें हम क्या क्या चीजों को संशोधित कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या का बात हो रहा है, क्या क्या चीजों को संशोधित कर सकते हैं। भाई हमने बजट बनाया था पिछले महीने में, तुम लोग को बजट दी थी कि देखो भाई KFC में और पिज्जा हट में 500 रुपए से ज्यादा खर्चा मत करना, तुम लोग कर डाले हो, तो मैं उसको संशोधित करूंगी, बहुत खर्चा करते हो, इस महीने अब चाहिए तो तुम लोग को 300 रुपए ज्यादा नहीं दूंगी, संशोधन हम कर रहे हैं। आगे देखते हैं पिछले वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियां व व्यय, हमने मैं जैसे कि हमने बात किया था कि हम ब्याज पे पैसा देते हैं या हम क्या बोलते हैं बैंकों में पैसा रखाते हैं तो उसी समय उसकी प्राप्ति नहीं होती, कुछ समय बाद होती है, तो जो पिछले वर्ष का आया होगा इस वर्ष हमको मिला उसकी भी प्राप्तियों को इसमें प्राप्ति और व्ययों को शामिल किया जाता है। तो भविष्य काल, वर्तमान काल और भूतकाल, तो तीनों चीजों से ही हमारा बजट बनता है। जैसे कि मेडिकल, किसी किसी महीने आप सुने होंगे यार इस महीने, जैसे जब हम छोटे थे स्कूल का खर्चा होता था तो मम्मी पापा क्या करते थे, जून में थोड़ा कम खर्च करते थे क्योंकि मालूम है जुलाई में स्कूल में एडमिशन दिलाना है तो ज्यादा पैसा खर्च होगा, सही है कि नहीं है,
है ना भाई, किसी महीने पैसा आने वाला है, पैसा हमको मिलने वाला है। अच्छा यहाँ पर तो ये बात हुआ, अब देखो जिसके पापा मम्मी का स्कूल बैग का और किताबों का दुकान होगा वो क्या बोलेंगे, नहीं मैं उस समय ज़्यादा करूँगा क्योंकि पैसा मेरे को ज़्यादा बिक्री हो, किताबें ज़्यादा बिकेंगी और बुक्स ज़्यादा बिकेंगी, बैग ज़्यादा बिकेंगे तो उनके पास तो पैसा आएगा। ठीक, तो इस तरीके भविष्य का, वर्तमान का और पिछला, इन सभी चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। ये मैंने बताया था विजन डॉक्यूमेंट 2030 कुछ भी नहीं है, इसको बस आपको ये याद रखना है कि अभी की तात्कालिक सरकार जो है इन्होंने एक अंतरिम बजट लेके आए हैं जिसके अंतर्गत उन्होंने ये कहा है कि आगामी दशक में, है ना, अगले दशक यानी कि 20 के बाद 30 दशक, है ना, दशक में भारत निर्माण की बात की गई है जिसमें गरीबी, बेरोजगारी, गंदगी, कुपोषण, अशिक्षा को हटाने का बात किया गया है, कुछ नहीं है, इतना बस आप लोग ध्यान रखना। प्रीलिम्स के लिए उतना जरूरी नहीं है, नाम हम पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं हमारे बजट पर, बजट के प्रकार। तो जब हम बजट के प्रकारों को देखते हैं तो हमें पांच प्रकार के, मुख्य रूप से पांच प्रकार के बजट मिलते हैं। पहला है एक समान मद का बजट। ठीक, क्या है, एक समान मद का बजट। ये एक ऐसा बजट होता है, इसको हम आम बजट कह सकते हैं, है ना, मैं यहाँ लिख देती हूँ आम बजट। दूसरा होता है निष्पादन बजट। क्या बजट है जी, निष्पादन बजट। तीसरा है आउटकम बजट। चौथा है शून्य आधार बजट। पांचवा है जेंडर बजटिंग। और अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या लिखा है, पहला चीज वर्ष 2000 तक बजट शाम चार, नहीं चार ही पांच होगा, पांच है वो, है ना, शाम 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था, किंतु वर्ष 2011 से ना 2000 तक, सॉरी अच्छा अच्छा ठीक है ना, वर्ष 2000 तक बजट जो है 4 बजे तक पेश किया जाता था, किंतु वर्ष 2011 से यशवंत सिंह ने सुबह 11 बजे बजट पेश करना शुरू किया और तब से ये प्रथा सुबह 11 बजे की चली आ रही है। हाँ, अपने आप चला जा तो जा भाई, चले ही जा, है कि नहीं। चलो फिर हम देखते हैं अब आम बजट। आम बजट में कुछ भी दिमाग लगाने जैसा नहीं है। आम बजट क्या होता है, इस बजट का मुख्य उद्देश्य सरकारी खर्च पर नियंत्रण करना तथा विकास कार्यक्रमों को गति प्रदान करना है। तो ये एक आम बजट होता है जिसमें ये निर्धारित किया जाता है कि सरकार के पास कितनी आय आई है, इसमें जो व्यय है हम उसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, और पिछले पेज से हम अपना RD, हम अपना फिक्स डिपॉजिट, हम ब्याज, लोगों को ब्याज में पैसा देना कितना बढ़ा सकते हैं। बोल रहे हैं खर्च पर नियंत्रण, है ना, पेट्रोल खर्चा कम करो थोड़ा, कपड़ा उपड़ा कम खरीदो थोड़ा सा, तथा विकास कार्यों की गति प्रदान। भाई पैसा जमा करेंगे उसे तो हम या घर में इन्वेस्ट करेंगे पैसा, जैसे हमने बताया था कि घर से आ रहा है उसके ऊपर एक और माला खड़ा कर लिया, अब दो जगह से पैसा आएगा तो उस पर इन्वेस्ट करने, इसके अंतर्गत सामाजिक भी आता है और प्रॉफिट की चीज़ें भी आती है। तो एक ऐसा बजट जिसमें सामान्य चीज़ें हैं, कुछ बहुत भारी रॉकेट साइंस नहीं है, तो वो क्या होगा, आम बजट कहलाएगा। दूसरा है निष्पादन बजट। इस बजट की शुरुआत 1975-76 से की गई थी। इसका उद्देश्य लक्ष्य आधारित होता है। यह इस बात पर का पर संकेत करता है कि खर्च की गई निधियों से परिणामों और अंततः आउटकम प्राप्त होने की किस प्रकार से उम्मीद है। आउटकम या निष्पादन का सिंपल मतलब जो है वो क्या होता है, रिजल्ट। ठीक है, तो जब भी हम निष्पादन बजट की बात करेंगे तो इसमें लक्ष्य रखा जाता है। ठीक है, क्या लक्ष्य रखा जाएगा, हमने लक्ष्य रखा कि हम हमारी मतलब हमारी जो मेडिकल का जो फैसिलिटी है उसको 5% ग्रोथ करेंगे। हम पहले क्या कर रहे हैं, लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। ठीक है,
क्या निर्धार किया? उद्देश्य लक्ष्य आधारित होता है। हम अपना मेडिकल को 5% से ग्रोथ करेंगे, हमारा प्राथमिक क्षेत्र को, है ना, प्राथमिक क्षेत्र को हम 10% से ग्रोथ करेंगे, हमारा जो क्या बोलते हैं आपका हमारा द्वितीयक क्षेत्र उसमें हम 6% की ग्रोथ करेंगे। हम यहाँ पर लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, ये तो मैंने परसेंट वाइज समझाया। दूसरा चीज समझो, प्राथमिक क्षेत्र या द्वितीयक क्षेत्र के अंदर बहुत सारे इंडस्ट्रीज आते हैं, है ना। मैंने अब सरकार इस बार सोची कि भैया मेरे को कपड़ा उद्योग को फोकस करना है, ठीक, तो वो क्या करेगी, कपड़ा उद्योग के लिए अलग से फंड निकालेगी या लक्षित करेगी, और सिर्फ कपड़ा उद्योग के कारण। मान लो कपड़ा उद्योग किसके अंतर्गत आएगा, प्रथम द्वितीय तृतीय, किसके अंतर्गत, तृतीय, तो ठीक से बोलो ना भैया, कितना मतलब खा पी के आए हो कि नहीं, किसके अंतर्गत आएगा, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। प्राथमिक क्षेत्र जो प्रकृति से सीधे संबंधित, यानी कि कृषि है, वानिकी है, मत्स्य पालन है, खनन है। द्वितीय क्षेत्र जिसको हम प्राथमिक क्षेत्र को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि उद्योग क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र जो सेवा क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कपड़ा निर्माण की बात होगी ना, तो कपड़ा निर्माण मतलब द्वितीय क्षेत्र। तो सरकार क्या करेगी, उनका उद्देश्य है कपड़ा मार्केट, है ना। तो मान लो उदाहरण के रूप में बोला कि 100 रुपए मतलब 100 रुपए किसको देगी, द्वितीयक क्षेत्र के लिए सरकार ने निकाला। इस द्वितीयक क्षेत्र में जो 100 रुपए निकाला गया है, इसमें अलग से प्रावधान इसके अंडर किया जाएगा कि भैया इसका 50% जो है वो केवल कपड़ा उद्योग में लगेगा, बाकी क्षेत्रों में अलग। तो जब हम ऐसा भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, वहां पर निष्पादन बजट आता है, क्योंकि यहां पर लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और देखिए इस बात का संकेत करता है कि खर्च की गई निधियों का परिणाम क्या है, है ना भाई। मैंने जो खर्च किया था पिछले बार, मैंने तुमको दिया था पैसा कि भैया इतना इतना होना चाहिए, उसका परिणाम मेरे को बताओ, ठीक। तो जब कभी भी लक्ष्य आधारित और परिणाम सूचक रहेगा, तो वो किस में आएगा, निष्पादन बजट में। समझ में आया, नहीं आया तो बताओ, फिर से करेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, मर्जी के करंट अफेयर पढ़ के जाना, नहीं पेपर पास कर सकते। समझ में आया, आगे बढ़ेंगे, नहीं आया फिर से समझाऊंगे, आगे बढ़ो। चलो दूसरा आता है शून्य आधारित बजट, कल भी हमने इसके बारे में बात किया था। चलो इसके अंतर्गत प्रत्येक बजट, क्या बोल रहा है, इसके अंतर्गत प्रत्येक बजट पद्धति चक्र, बजट पद्धति चक्र शून्य से शुरू होता है। बजट हम सबको पैसा बांटते हैं, पद्धति वैसा पैसा बांटने की जो प्रक्रिया, इसको 5% उसको 10% इस क्षेत्र को, ठीक। मैं प्रधानमंत्री, आप लोग सब मेरे मंत्री, तुम इतना लो यार, तुम्हारे इतने क्षेत्र में काम करना है, बांटा। चक्र, हर साल यही चक्र तो चलेगा, है ना, हर साल अमाउंट में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन चक्र ये चलेगा। चक्र शून्य से शुरू करते हैं, मैंने तुमको 5 साल का या 2 साल का काम दिया, ठीक, बोला यहाँ पर मेरे परिवहन मंत्री हैं, कोई भी एक परिवहन मंत्री, ठीक है, मैंने पैसा दिया कि तुमको पूरे देश में 10,000 किलोमीटर क्या बनाना है, रोड बनाना है, फंड भी मैंने दे दिया, एक्स वाई जेड कारणों से 10,000 नहीं बन पाया, 10,000 किलोमीटर नहीं, सिर्फ 7,000 किलोमीटर बन पाया, और पूरा पैसा खत्म हो गया। अब क्या करें, बनाना तो पूरे पैसे में था ना, अब नहीं है पैसा तो क्या करेंगे, नहीं बनाएंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, नहीं है पैसा तो क्या करूं? नहीं है ना, हम सरकार के पास, ये जो अगले सेशन का बजट, क्योंकि हमारे यहाँ वार्षिक होता है, और 7,000 किलोमीटर हमारे देश में 1 साल में नहीं बन सकता, ठीक है, तो क्या करेंगे, है ना, अगला जो बजट होगा उसमें आप जो है मेरे से मांग रखेंगे, भाई सर वो है भाई नहीं बन पाया, 7,000 तक बना, महंगाई बढ़ा, कोरोना आया, कुछ भी खर्च बढ़ा, जिसकी कोई भी रीजन, तो डबल खोद के बनाना पड़ा क्योंकि ठेकेदार भूल गया था पाइप डालना, तो फिर से खोदे हम लोग, है ना, फिर बनाए उसके, ऐसा सब जो भी रीजन आप मेरे को बताओगे, भले से आपका स्विट्जरलैंड में, है ना, 200 एकड़ के जमीन पर बंगला बन गया हो, उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक, लेकिन आप रीजन मेरे को देना पड़ेगा, वैलिड रीजन, तो वो सब रीजन दोगे तो मैं क्या बोलेंगी, बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, चलो बताओ अब तुम, ठीक है वो सब बातों को छोड़ दो, आगे कितना बच रहा है, कितना किलोमीटर बनाना बचा है,
3000 किलोमीटर बनाना बचा है, 3000 में कितना पैसा चाहिए, तो आप मेरे पास क्या दोगे, एक सूची दोगे, भाई तीन इतना प्रति किलोमीटर इतने के हिसाब से हुआ तो इतना पैसा चाहिए, तो मैं देखूंगी अच्छा ठीक है। तो अब मैं जो बजट पेश बजट आपको दूंगी, जो पैसा दूंगी वो 10000 के लिए नहीं होगा, वो बचा हुआ 3000 के लिए होगा। इसमें पैसे की कटौती भी होगी, ठीक है, इसमें नया लक्ष्य निर्धारित हुआ, पुरानी चीजों को हमने छोड़ दिया, हमने क्या सोच लिया, वो शून्य है, वरना क्या बोलते, अच्छा ठीक है वो 10000 में तुमको और दे देंगे, ऐसे बात होता, लेकिन यहां पर ऐसे बात हुआ क्या, नहीं, यहां पर बात हुई कि वो जो 7000 10000 में से 7000 तुमने बना लिया वो अलग रखो, अब सिर्फ 3000 बनाना है, उसका अलग से निर्धारित किया जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात, यही चीज इसमें बोलता है, सार्वजनिक व्ययों में अपव्ययता से, अपव्यय मतलब बेफिजूल की खर्ची से कमी लाने हेतु इस अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत संस्थाओं को उनके द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं को जारी रखने के लिए उपयुक्त तर्क प्रस्तुत की ना, यहाँ खर्चा हुआ वहां खर्चा हुआ, उपयुक्त तर्क ना, फालतू वाला नहीं, चोरी हो गया, चूहा काट लिया पैसा को है ऐसा वाला तर्क होगा क्या, नहीं, उपयुक्त तर्क होना चाहिए, है ना, बढ़िया है ना ये वाला, मैं भी मंत्री बनूंगी ना, मैं भी ऐसी बोलूंगी कहाँ गया पैसा, तो बोले चूहा रखी थी मैं, चूहा खा गया, मैं क्या करूँ, और तुम सबको फॉरेन में पार्टी, ठीक है। चलो, तो उपयुक्त तर्क ये ध्यान रखना, उपयुक्त तर्क प्रस्तुत करने पर इसके अंतर्गत प्रत्येक संस्था या विभाग को हर बार सब कुछ शून्य मानकर नए आधार पर बजट देती है। हम अभी शून्य माने थे, ठीक, पुराना बात छोड़ दो, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, अब नया बताओ कितना करोगे। जैसे मम्मी पापा आप लोग ठीक है पीएससी पास कर लेना, पहले बार कोचिंग किए नहीं निकला, फिर बोलने आओगे फिर से कोचिंग करना है, पापा पैसे दे दो हैं, पिछली बार तो किए थे क्यों नहीं निकला, नहीं अभी इस बार निकाल कर पूरा एकदम निश्चय, ठीक है इस बार उतना नहीं दूंगा, थोड़ा कम दूंगा, थोड़ा बजट कम होगा, तो सर के पास आओगे, सर थोड़ा बजट कम है, या तो डिस्काउंट कर दो या तो कुछ कुछ सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ सर, ठीक है, एक्सपेक्टेशन और रिजल्ट। तो यहाँ पर चीजें शून्य मानकर आगे दी जाती है, लेकिन तर्क के साथ ना, चूहा काट लिया, कुत्ता खा गया मेरा होमवर्क, नहीं चलेगा हाँ नहीं चलेगा, वो भाई फाड़ दिया पैसा, उसे गुस्सा आया तो कुत्ता मेरा पैसा खा गया, नहीं चलेगा ऐसा, आपको उपयुक्त तर्क देना पड़ेगा। अच्छा ये भी मत सोचना मैं तो ज्यादा दिमाग लगा है, उपयुक्त तर्क क्या है भाई, पहाड़ी के किनारे किनारे बन रहा था, पहाड़ी गिर गया तो पिचक गया, आपको दिखाना पड़ेगा पहाड़ी कहाँ गिरा था, उसका बकायदे चेकिंग होगा कि गिरा था कि नहीं गिरा था, है ना, तब जाके होगा। अब ये अलग चीज है कि बुलडोजर से पीछे से गिरवा दोगे तो अलग मैटर है, ठीक। चलिए अब आता है आउटकम बजट, वह बजट जिसमें सरकार विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों के परिणामों के प्रदर्शन का एक रिपोर्ट कार्ड देती है, आउटकम का बजट कहलाता है। इस बजट का प्रयोग किसी मंत्रालय अथवा विभाग के लिए किया जाता है जिसमें बजट के आवंटन की गई राशि का प्रयोग भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण एवं मूल्यांकन के लिए किया, कुछ नहीं है आउटकम। हम बोलते ना आउटकम, पढ़ोगे पीएससी पढ़ रहे 2 साल से, पप्पा पूछे पैसा चाहिए, आउटकम क्या निकला उसका, कितना सीखे तुम, है ना, तुम्हारा रिजल्ट क्या आया, पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, मम्मी पूछती है कि क्या रिजल्ट आया, 2 साल से पैसा ले रहे हो, 2 साल से जा रहे हो, कहाँ जाते हो, क्या रिजल्ट आया। तो जब कोई बजट रिजल्ट, वहां पर था लक्ष्य, यहां पर है रिजल्ट, बोल रहा है वह बजट जिसमें सरकार विकासात्मक कार्यक्रमों के परिणामों के प्रदर्शन का एक रिपोर्ट कार्ड बनाती है। सरकार बताएगी कि भैया पिछले साल हमने 10000 किलोमीटर रोड बनाना था, हमने 10000 किलोमीटर रोड जो है वो बना लिया है, जितना आपने बजट दिया था उतने बजट पे बना लिया है, अब हमको और 5000 बनाना है तो अब पैसा दो, समझ रहे हो, आप लोगों ने पढ़ने आए हो पीएससी, पापा मम्मी को बोले निकल नहीं रहा है पीएससी, निकल नहीं रहा है, व्यापम का एग्जाम निकाल लिए, पापा मम्मी के पास गए बोले देखो भैया हम पढ़े व्यापम पढ़े, हम पैसा हम पद को पोस्ट को निकाले, अब पीएससी पढ़ना है दिल्ली जाके ही पढ़ेंगे तो पैसा दो, मतलब हम अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, हम अपनी रिजल्ट दिखा रहे हैं, सरकार अपना परफॉर्मेंस, देखो भैया हमने ये काम किया, इतना इतना पैसा खर्चा किया, इस साल और इतना काम है, हमको पैसा दो,
समझ गया आउटकम का बजट क्या होता है, दिक्कत परेशानी समस्या, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। जेंडर बजट हमने बात किया था, यहीं से पता चल रहा है हमको, भारत सरकार का वह बजट जिसमें निर्मित कार्यों व योजनाओं का आवंटन लिंग के आधार पर होता है, इस बजट के द्वारा महिला अधिकारिता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कुछ नहीं है, जेंडर सिंपल सा चीज़ है। देखिए, जब सरकार महिला सशक्तिकरण के बारे में बात और काम दोनों होता है, तो जब कभी सरकार का फोकस जो है वो पर्टिकुलर महिलाओं को लेकर होगा, इवन दो पुरुषों को लेकर भी होगा, है ना, जेंडर का मतलब इसमें महिला वाला बजट होता फिर वो, लेकिन यहाँ पर महिला बजट नहीं है, यहाँ जेंडर बजट है, क्योंकि महिलाओं को थोड़ा उत्थान का बात चलता है, इसलिए अगर वो उन पर आधारित होगा तो वो क्या कहलाएगा? जेंडर बजट कहलाएगा। और अगर किसके बारे में बात होगा? पुरुषों के बारे में, तो भी वो जेंडर बजट कहलाएगा। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे पुरुषों की संख्या ज्यादा है महिलाओं से, अभी तो कम हो गया है ना, लेकिन ज्यादा थी सशक्तिकरण के संदर्भ में। तो जब कभी भी ऐसा बजट बनेगा जो किसी एक जेंडर के लिए डेडिकेटेड होगा, मतलब इस बजट में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ेगा, इस बजट में महिलाओं के लिए जो महिलाओं से संबंधित जो योजनाएं होती है उसको बजट बढ़ाएंगे, नई नई योजना शुरू करेंगे, तो वो महिलाओं के आधार के लिए किया जा रहा है, इसलिए उसको जेंडर बजट कहेंगे। समझ में आ गया कोई इस चैप्टर में? अभी तक कुछ दिक्कत परेशानी समस्या नहीं? ठीक है, तो चलिए इस क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, है ना, इसके आगे का कल हम लोग देखेंगे। चलिए ठीक, थैंक यू। अभी क्लास है आप लोगों की? अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक।